देखिए, आज तो माता महामाया के चरणों में प्रणाम करके छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की शानदार वापसी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से शुभकामना लेकर के आया हूँ। और हम लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2023 के इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है, और इसलिए मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। क्योंकि जब इतना बड़ा छत्तीसगढ़ की सफलता का, छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का यज्ञ चल रहा हो, तो उसमें मुझे भी आहुति डालने के अवसर मिला है। क्या मूल मंत्र क्या देकर जाएंगे जीत का? अब जो देंगे तो आपको अभी पहले से बता देंगे। सरकार कैसी चल रही है यहाँ की छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी चल रही होती तो हम लोग प्रचार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ही अच्छी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भविष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो छत्तीसगढ़ उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। और जो योजनाएं भारत सरकार की हैं, वह योजना गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, जो आदिवासियों के लिए हैं, हमारे उन सब भाई बहनों तक यह सुविधाएं पहुंचें, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। धन्यवाद। के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं भूपेश सर? जो आरोप लगाते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आपके यहाँ तो ईडी नहीं आई होगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार नहीं करते हो। तो भ्रष्टाचार करे अगर उसके यहाँ जाँच करने के लिए कोई एजेंसी ना जाए, कांग्रेस की ये सोच है, ये नीति है, तो यह सोच उनको मुबारक है। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गरीबों को लूटेगा, जो छत्तीसगढ़ को लूटेगा, जो किसानों को लूटेगा, जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को लूटेगा, तो जांच करके अगर दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर दोषी नहीं तो घबराएं नहीं, अगर दोषी है तो फिर तैयारी करें। हाँ, परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन के लिए यहाँ कांग्रेस सरकार को परिवर्तित करके भाजपा की सरकार बनाने के लिए है, कमल खिलाने के लिए है। वो तो निश्चित है, वो तो सुनिश्चित है। इसकी आवाज़ तो मैं कहूँ कि अंबिकापुर से लेकर के लखनऊ तक सुनाई दे रही, लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।